अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे और दुआ है कि जहाँ रहें शादो आबाद रहें और खुशियों से आपका दामन हमेशा हमेशा भरा रहे। आमीन सुम आमीन। आज मैं अपनी बहनों के लिए एक सीरम लेके आई हूँ, क्योंकि सीरम जो है इसकी अक्सर समझ नहीं आती कि ये क्यों ज़रूरी है। सीरम जो है, आप जैसे आप बालों पे ऑयल करते हैं तो उसी तरह जब आप बाल वॉश कर लेते हैं तो भी आपके बालों को कुछ ना कुछ फूड की या नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो जो नरिशमेंट है वो हमारा सीरम जो है पूरा करता है। तो आज मैं आपके साथ जो सीरम शेयर करने वाली हूँ वो पैंटीन का सीरम है। तो मैं 3-4 सीरम यूज़ कर चुकी हूँ, क्योंकि हर बार मैं चेंज कर लेती हूँ जो भी क्रीम यूज़ करती हूँ या जो भी सीरम या शैम्पू मैं चेंज कर करके यूज़ करती हूँ, क्योंकि आपकी स्किन को या आपके बालों को किसी एक चीज़ की आदत जो है वो नहीं पड़नी चाहिए। तो कोशिश किया करें कि जब एक चीज़ ख़त्म हो जाए तो आप कोई और ब्रांड ट्राई करें, कोई और चीज़ ट्राई करें, और कोशिश करें कि आपकी स्किन को जो है एक ही चीज़ की आदत ना पड़े, क्योंकि फिर वो जब छोड़ेंगे उस चीज़ को तो फिर दोबारा से जो है ना दूसरी चीज़ जो है आपके फेस पे, हेयर पे या बॉडी पे जो है ना सूट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा या आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश किया करें कि चेंज करते रह करें। तो आज मैं आपसे ये पैंटीन का जो है शेयर कर रही हूँ सीरम। सबसे पहले प्राइस की बात की जाए तो प्राइस इसके 525 में ये मुझे मिली है, लेकिन मार्केट में शायद इसके आसपास ही कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि हर एक का जो है अपना अपना अपने अपने रेट होते हैं, लेकिन कंपनी रेट मेरा ख्याल है इसके आस 500 या 525 ही होगा। या दराज पे ख़रीदते हैं या कोई ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो आपको इसमें जो है ना कुछ कंसेशन जो है मिल जाती है या कुछ डील्स आती हैं उनमें आपको सस्ते मिल जाते हैं। बाकी मैं इसके जो एग्जैक्ट प्राइस है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो ये इस पैकिंग में है, इस तरह की पैकिंग में आता है ये। इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जब आपने कोई बालों को स्टाइल देना है तो आप एज़ अ जेल जो है आप इसको यूज़ कर सकती हैं, और दूसरा आप इसको डेली भी यूज़ कर सकती हैं अगर आप ऑफिस जाती हैं या आपने मतलब ऐसा है कि आपको रोज़ तैयार होशियार होना है तो आप इसको जो है ना यूज़ कर सकती हैं। अपने बालों पे भी बेफिक्र होकर लगा सकती हैं, क्योंकि ये आपके बालों को डैमेज नहीं करेगा, और सीरम मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी आपके बालों को डैमेज करता है। ये इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल में है और ट्रैवल फ्रेंडली है, और इसको आप कहीं साथ भी कैरी कर सकते हैं, कहीं ले के जा सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि लीव्स हेयर स्मूथ एंड स्लीक एंड शाइनी। ये आपके बालों को स्मूथ भी रखेगा और शाइन भी देगा। एक ये जब आप ट्राई करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि जो है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं या बेनिफिट्स हैं। तो ये इंस्टेंटली आपके बालों पे जो हीट आती है उसको फ़ौरन उससे डैमेज से बचाएगा, और आपके बाल सॉफ्ट लगेंगे और सिल्की लगेंगे और मैनेजेबल हेयर आपके लगेंगे, मतलब सेट हो जाएंगे आपके बाल। जो जिनके प्रॉब्लम होती है कि बाल उड़े उड़े रहते हैं और सेट नहीं होते हैं, या आपने स्ट्रेटनिंग करनी है तो उससे पहले भी आप इसको लगा लें। अगर आपने हेयर ड्रायर करने हैं, बहुत ज़्यादा करती रहती हैं, उसके लिए उससे भी ये आपको बचाएगा, और ये मेरा ख्याल है सूरज की रेजी से भी आपके बालों को सेफ रखेगा। तो और जो इसका सबसे बेस्ट तरीका है, या आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि हाउ टू यूज़, तो इन्होंने भी लिखा हुआ है कि जब आपके बाल वेट हो और टॉल ड्राई हो तो आपने इसके 2 से 3 पंप जो है निकालने हैं और अपने बालों पे अच्छे तरीके से मतलब ये इसका है, इस तरह का है ये। तो आपने 2 या 3 पंप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से लेने हैं हाथों पे, और आपने ऐसे अच्छी तरह इसको थोड़ा सा हीट आ जाए आपके तो फिर आपने अपने बालों की लेंथ में लगाने हैं ऐसे ऐसे करके, और जो है आपकी जो नीचे होती है एंड्स होते हैं बिल्कुल इस पे आपने मसाज करना है अपने बालों के, तो इस तरीके से आपने लगाना है। लेकिन जो स्कल्प है आपका, स्कल्प पे आपने इसको यूज़ नहीं करना,
क्योंकि कोई भी सीरम जो है हम उसको स्कल्प पे नहीं करते, क्योंकि ये ऑयल होता है, तो जब आपके हेयर वेट होते हैं तो वो उसको फ़ौरन जो है जज्व कर लेते हैं, लेकिन अगर स्कल्प पे लगेगा तो फिर आपका जो है ना स्कल्प ऑयली हो जाएगा। तो इसलिए आपने कोई भी सीरम जो है आपने स्कल्प पे नहीं लगाना, बस ऐसे स्ट्रेट लगाना है पूरे बालों पर, ऐसे ऐसे करके मसाज करना है और एंड्स पे लगा लेना है, बस दैट्स इट। तो ये है इसके लगाने का तरीका, और प्राइस भी बता दिए हैं और बेनिफिट्स भी मेरा ख्याल है कि मैंने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। और अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और प्राइस जो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो बस आज का यही इसका रिव्यू था, क्योंकि ये बहुत फेवरेट है मेरा। तो आपसे अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे चैनल पे आने वाली हैं, जिनके यूजेस बताऊंगी और साथ अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूंगी, और इंशाल्लाह जल्दी हम DIYs का सिलसिला भी शुरू करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इजाज़त चाहती हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।